हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऑफिस इक्विपमेंट, फिक्स्चर्स, लाइफ स्टॉक, सबसे पहले इनका मतलब क्या होता है वो समझेंगे और इन अकाउंट्स का आपको कब कब यूज़ करना है वो भी सीखेंगे और इन अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम सीखते हैं कि कब हमें ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट का यूज़ करना है। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में वो सभी एसेट्स आ जाएंगी, वो सभी आइटम्स आ जाएगी जिनकी ज़रूरत पड़ती है ऑफिस के टास्क को, ऑफिस के ऑपरेशंस को स्मूथली करने के लिए। फॉर एग्जांपल आयरन सेफ, आयरन सेफ की क्या ज़रूरत होती है? इंपॉर्टेंट थिंग्स को स्टोर करने के लिए। फाइलिंग कैबिनेट, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? इंपॉर्टेंट पेपर्स को स्टोर करने के लिए। कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? काम को करने के लिए। प्रिंटर की क्या ज़रूरत है? प्रिंट करने के लिए। तो ये सब क्या है? ऑफिस इक्विपमेंट है जो ऑफिस के टास्क को स्मूथली करने में हेल्प करते हैं। तो जब भी कोई बिजनेस में आयरन सेफ खरीदी जाती है, फाइलिंग कैबिनेट, कंप्यूटर, प्रिंटर, ऐसी कोई भी एसेट खरीदी जा रही है जो ऑफिस के टास्क को स्मूथली करने में हेल्प कर रही है, तो आप उन एसेट्स का अकाउंट सेपरेट नहीं खोलोगे। आप कौन से अकाउंट का यूज़ करोगे? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट का। क्लियर? अब इससे रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। परचेज्ड एन आयरन सेफ फॉर बिजनेस फॉर ₹1 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ये ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? हमने क्या खरीदा है? आयरन सेफ खरीदी है और आयरन सेफ के लिए हम कौन से अकाउंट का यूज़ करेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट का। क्लियर? एसेट हमने खरीदी है और उसके बदले में हमने क्या दिया है? चेक दिया है। चेक से क्या होगा? बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन किन किन अकाउंट्स पे इफेक्ट डाल रही है? एक तो ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रही है और बैंक अकाउंट कम हो रहा है। ये दोनों अकाउंट किस कैटेगरी में आते हैं? एसेट की कैटेगरी में आते हैं। एसेट का रूल क्या कहता है? जब भी एसेट बढ़ेगी उस एसेट का अकाउंट हम क्या करेंगे? डेबिट। और जब भी एसेट कम होगी उस एसेट का अकाउंट हम क्या करेंगे? क्रेडिट। क्लियर है कि डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है? एंट्री क्या बनेगी? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख 1 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। परचेज्ड अ कंप्यूटर फ्रॉम किशन फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? हमने किशन से कंप्यूटर खरीदा है उधार पे। तो कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में? कंप्यूटर हमारे बिजनेस में आ रहा है, एसेट बढ़ रही है, तो एसेट जब बढ़ती है उसका अकाउंट क्या होता है? डेबिट। ठीक है, कंप्यूटर का अकाउंट हमें करना है डेबिट, बट हम कंप्यूटर अकाउंट यूज़ नहीं करते हैं। कंप्यूटर क्या है? एक तरह का ऑफिस इक्विपमेंट है, तो हम कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। ओके, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन पे? हमने किशन से उधार पे कंप्यूटर खरीदा है, तो इसका मतलब किशन हमारा क्या बन गया है? क्रेडिटर बन गया है। एक तरीके से हमने उसका पैसा देना है। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसका अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। तो हमें क्या करना है? किशन का अकाउंट क्या करेंगे हम? क्रेडिट। तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे? टू किशन, किशन के नाम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाएंगे क्योंकि किशन क्या है? एक पर्सन है। क्लियर है? और अमाउंट लिख देना 80,000 80,000। अब हम सीखते हैं कि कब हम फिक्स्चर अकाउंट का यूज़ करेंगे। जब आप बिजनेस के लिए या ऑफिस के लिए कोई ऐसी एसेट खरीद रहे हो जो उस प्रॉपर्टी का, बिल्डिंग का पार्ट बन जाएगी, उसके लिए, उन एसेट्स के लिए हम कौन से अकाउंट का यूज़ करेंगे? फिक्स्चर अकाउंट का। फॉर एग्जांपल आप ऑफिस के लिए इलेक्ट्रिक फैन खरीद रहे हो तो आप इलेक्ट्रिक फैन का अकाउंट नहीं खोलोगे। कौन सा अकाउंट खोलोगे? फिक्स्चर अकाउंट। क्लियर? ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। परचेज्ड एन इलेक्ट्रिक फैन फॉर ₹20,000। ये ट्रांजेक्शन क्या कह रही है? हमने इलेक्ट्रिक फैन खरीदा है, बट यहाँ पर कैश से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना हमें बताया गया है कि हमने इलेक्ट्रिक फैन को उधार पे खरीदा, तो हम क्या मानेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है। पिछले पार्ट में मैंने बताया था ना कि जब आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो, सिर्फ लिखा हो कि हमने एसेट खरीदी है, तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन है?
कैश की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन किन किन अकाउंट्स पे इफेक्ट डाल रही है? हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फैन खरीदा है। इलेक्ट्रिक फैन के लिए हम कौन से अकाउंट का यूज करेंगे? फिक्स्चर अकाउंट का, ठीक है। एसेट बढ़ रही है। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? हमने इलेक्ट्रिक फैन खरीदा है, उसके बदले में क्या दिया है? कैश दिया है। कैश कम हो रहा है। ये दोनों ही अकाउंट कौन से अकाउंट है? एसेट के अकाउंट है। और एसेट का रूल क्या कहता है? एसेट जब बढ़ती है उसका अकाउंट हम क्या करेंगे? डेबिट। तो फिक्स्चर का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कैश कम हो रहा है, एसेट अगर कम हो रही है तो उसका अकाउंट हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? फिक्स्चर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे 20,000, आप डेबिट के अमाउंट पे लिखोगे और 20,000 ही क्रेडिट के अमाउंट पे। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग इलेक्ट्रिक फैन परचेज्ड। अब हम सीखते हैं कि कब हम लाइव स्टॉक अकाउंट का यूज करेंगे। जब भी हम बिजनेस के लिए कोई एनिमल खरीदते हैं तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट का यूज करेंगे? लाइव स्टॉक अकाउंट का। अब इससे रिलेटेड एक ट्रांजेक्शन करते हैं। परचेज्ड अ हॉर्स फॉर बिजनेस फॉर ₹1,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने क्या किया है इस ट्रांजेक्शन में? बिजनेस पर्पस के लिए एक हॉर्स खरीदा है, एसेट बढ़ रही है। बट हम हॉर्स अकाउंट नहीं खोलते, हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे? लाइव स्टॉक अकाउंट, ठीक है। एसेट बढ़ रही है और उसके बदले में हमने क्या किया है? पेमेंट दी है बाय चेक। तो हमारा बैंक अकाउंट क्या होगा? कम हो जाएगा। दोनों ही अकाउंट कौन से अकाउंट है? एसेट्स के अकाउंट है। और एसेट का रूल क्या कहता है? जब एसेट बढ़ेगी उसका अकाउंट हम क्या करेंगे? डेबिट। और जब एसेट कम होगी उस एसेट का अकाउंट हम क्या करेंगे? क्रेडिट। क्लियर है कि क्या डेबिट होना है और क्या क्रेडिट होना है? तो एंट्री क्या बनेगी? जो अकाउंट डेबिट करना है वो हम पहले लिखते हैं। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? लाइव स्टॉक अकाउंट। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट। तो कैसे लिखेंगे? स्पेस छोड़ेंगे और क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट क्या लिखेंगे? 1.5 लाख 1.5 लाख। क्लियर है। और नरेशन क्या बनेगी? बींग अ हॉर्स परचेज्ड फॉर बिजनेस। क्लियर है।